यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नाला सुपारा में दिन दहाड़े बुजुर्ग के साथ बैंक में हुई 52,000 की रॉबरी, आरोपी सीसीटीवी में हुए कैद। नाला सुपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले संयुक्त नगर के एक 67 साल के बुजुर्ग के साथ 9 तारीख को बैंक के अंदर दो लोगों द्वारा चालबाजी कर रुपये ले भागने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जोगेश्वर नाथ तिवारी नामक बुजुर्ग नाला सुपारा तुलिंज रोड स्थित SBC बैंक में अपने किसी काम के चलते 1,36,000 रुपये निकालने गए थे। उन्होंने पैसे भी निकाल लिए और जब वो पैसे गिनने लगे तो अचानक दो लोग आए और उनके हाथ से पैसे छीनकर गिनने लगे। बुजुर्ग की आपत्ति जताने पर आरोपियों ने गलती हो गई कहते हुए बुजुर्ग को पैसे लौटा दिए। बुजुर्ग ने जब पैसे गिने तो कुल 52,000 रुपये कम निकले, जिसके बाद बुजुर्ग ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। आगे वीडियो में देखिए क्या था ये पूरा मामला और सुनिए बुजुर्ग की जुबानी। वहीं इस मामले में बुजुर्ग के बेटे ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब सवाल यह उठता है कि SBC बैंक में ये दो ठग जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या कर रहे थे? वहीं क्या बैंक में कोई गार्ड नहीं था? जब बैंक के अंदर ही लोग महफूज नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होंगे? फिलहाल अब देखना होगा कि तुलिंज पुलिस इस मामले को कब गंभीरता से लेते हुए इन लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। चाचा क्या नाम है आपका? जोगेश्वर नाथ तिवारी। तिवारी जी, क्या हुआ आपके साथ बैंक में ठगी हुई? ऐसा हुआ कि मैं गया था NFC करने को, बैंक में पैसा भी भरने को भरा भी था और 1,36,500 अपने अकाउंट से निकाल रहा था। तो निकाला पैसा तो मेरे पीछे पड़ गया और निकालने के बाद मैं बैठ गया, जरा तबीयत खराब था तो हाथ में पैसा लिया था तो पैसे छीन लिया। छीनने के बाद मैं उसको बोला, क्यों मेरा पैसा छीना रे तू भाई, क्यों पैसा छीना? तो पैसा वापस किया लेकिन पैसा पूरा वापस नहीं किया। वो 52,000 रुपया अपने पास जेब में रख करके और चले गया, बोला बैंक वाला कम पैसा दिया है और वो लेकर के भाग गया पैसा। इस मामले में आपने बैंक के कर्मचारियों से बात की थी? हाँ, बैंक वाले से भी बात किया तो बोला बराबर दिया हूँ मैं। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया? वो बराबर दिया था। आपने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया? हाँ, करवाया हूँ पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मैं करूँगा, सब काम करना है। हाँ, बोल करके निकल गया, कोई पकड़ा भी नहीं। मैं बोला भी वहाँ पे आपने विरोध भी किया? नहीं नहीं, मतलब विरोध नहीं कर पाए, जितना आवाज निकले आवाज नहीं, सो कोई था नहीं ना, बंद है ना, तो अब इनका आवाज बहुत ढील है। खाली था बैंक में, कहाँ रश था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार जोगेश्वर नाथ तिवारी है भैया। तिवारी जी, क्या हुआ है आपके पिताजी के साथ बैंक में ठगी हुई है? बैंक में एक्चुअली मेरे पापा गए थे बैंक में NFT करवाने, फॉर्म पार्टियों का। हाँ, तो NFT कराने के बाद में उन्होंने अपने अकाउंट से 1,36,500 रुपया विड्रॉ करके निकाला टोकन नंबर लेके, और उनके पीछे दो जन अंदर से ही बैंक में कभी से घूम रहे थे खाली, जबकि उनको कोई काम नहीं था बैंक में, तो घूम रहे थे आगे पीछे, जबकि बैंक वाले लोग का कोई स्टाफ अंदर दिखा नहीं कि उनको पूछे कि भाई आपका स्लिप नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम आप बताओ क्या काम से आप अंदर बैंक में घूम रहे हो कभी से। हाँ, और वो घूमने के बाद में उन्होंने क्या किया, पापा ने कैश ले लिए जब काउंटर से, कैश लेने के बाद में पापा काउंटर से लेके वहाँ बैठे काउंट करने को चेयर पे, तो एक जन ने उनको कवर किया उसके आगे और उनका बॉडी को ऐसा कवर कर लिया कि वो काउंटर की वजह से कैमरा में उनका ये नहीं आया कि उन्होंने हाथ से पैसा खींचा। खींचने के बाद में उन्होंने खींचा तो पापा जैसे चिल्लाने को किए, मुँह पे मास्क बांधे थे और उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, इसके वजह से उनका आवाज़ ज़्यादा आया नहीं। हाँ, तो बोले पापा कि भाई मेरा पैसा क्यों लिए, तो बोलते मैं गिन के देता, तो पापा बोले क्यों गिनना चाहते भाई। हाँ, इतने में वो पैसा वापस दे दिए, बोले चाचा गलती हो गया। उन्होंने पैसा रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि आधा पैसा दिया और आधा लेके वो धीरे से निकल गए, और पापा काउंट किए तो उसमें 52,000 रुपये कम था, 52,000 रुपये कम मिला। हाँ, तो इस बेसिस पे पापा ने वहाँ पे काउंटर पे पूछे कि हमको पैसा कम दे, तो उनको बोले कि नहीं भाई, वो पैसा वो जो अपराधी जो थे उन्होंने हाथ से हाथ चालाकी करके और थोड़ा सा छीन के पैसा लेके गए। इसके लिए मेरा ये काम है भाई कि पुलिस इस पर पूरा ध्यान दे के कर रही है, हमने FIR वगैरह कराया है, बोला है, और ये कांड दोबारा ना हो इसलिए बैंक में भाई स्टाफ लोग की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा जो भी हमारे कस्टमर आते हैं जिसका भी अकाउंट है वो बराबर कस्टमर को हैंडल करे, और जिसका जो काम नहीं है बैंक में उसे फालतू बैंक के अंदर ना घूमने देवे। आज ये 52,000 ले गए, कल किसी का कोई अचानक में किसी भी बुजुर्ग के साथ कोई भी बड़ा घटना हो सकता, हार्ट फेल हो जाता मेरे पापा का, तो क्या करता मैं? कौन सी बैंक है ये? SBC बैंक है, सामराव विट्ठल बैंक है, तुलिंग रोड पे। हाँ बड़े भैया, वहाँ पे ही है, और हमारा ये पुलिस
स्टाफ से ये निवेदन है कि वो बराबर अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं, हमको बहुत रिस्पेक्ट दिए है, बाकी अब उनके हाथ में अगर मिलजुल पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा है, बस यही चाहते हैं आप। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।